मित्रों, मोदी जी ने स्वच्छता का जो एक अभियान लाल किले की प्राचीर से 2014 में 15 अगस्त को घोषित किया था, 8 साल के अंदर इसके सुंदर परिणाम देश भर में मिलने लगे। अनेक प्रकार के कचरा के ऐसे पहाड़ आज धीरे 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 अदृश्य हो रहे। कचरे के निस्तारण के लिए अनेक संयंत्र लगाए गए, गटर की व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त किया गया है और कचरा का कलेक्शन के लिए भी एक साइंटिफिक नेटवर्क कश्मीर से कन्याकुमारी और आसाम से गुजरात तक हर शहर हर गांव में बनाने की शुरुआत। और सिर्फ इतना नहीं किया, आजादी के पहले महात्मा गांधी जी ने इस देश को स्वच्छता का संदेश दिया था, परंतु 70 साल तक सारे लोगों ने महात्मा के इस संदेश को भुला दिया। 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने स्वच्छता के संदेश को फिर से जमीन पर संस्कार के साथ उतारने का काम किया है। और ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ स्वच्छता अभियान का आज एक नतीजा है कि आप किसी भी रोड पर जाते हो, चॉकलेट खाकर रैपर अगर डस्टबिन के अंदर नहीं डाला तो साथ में चलता हुआ कोई बच्चा टोक लेगा, अंकल क्या कर रहे हो, कचरे को डस्टबिन में डाल। और सबसे बड़ा काम ये सारे कारखाने बनाना, गटर लाइनें बनाना, ये सारी चीजें तो महत्वपूर्ण है ही, परंतु देश के आने वाली पीढ़ी में स्वच्छता के संस्कार को मोदी जी ने डालने का काम किया है और हम सब में उसको पुनर्जीवित करना। जब तक स्वच्छता जन आंदोलन नहीं बनती तब तक स्वच्छता का परिणाम नहीं मिलता।